अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे अधिकारी जो प्रशासन है भाजपा के इशारे पर पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए हमको शंका है कि यहाँ भी कुछ धांधली हो सकती है। क्या हाल चाल है? जी बताएं, आप यहाँ पे रात में बैठे हैं, क्या वजह है कि आप अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ पे ईवीएम में बैठे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर? देखिए, इस बार जो चुनाव में हम लोगों ने देखा, पूरे चुनाव में लगता है प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। पूरी पोलिंग बूथों में भाजपा वाले पूरा कब्जा कर लिए थे, बूथ कैप्चरिंग किए। हम लोगों ने कई बार शिकायत किया, रीपोल की मांग किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे अधिकारी जो प्रशासन है भाजपा के इशारे पर पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए हमको शंका है कि यहाँ भी कुछ धांधली हो सकती है। सवेरे से हम लोग आए हैं, अभी तक वहाँ रुकने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अभी थोड़ी देर पहले से वहाँ टेंट वेंट लगाया जा रहा है, टीवी चालू कर रहे हैं, लेकिन 6-7 घंटा हो गया, 8 घंटा, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हम लोगों को यहाँ शंका है कि यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ईवीएम बदल सकते हैं, क्योंकि लोग जो है भाजपा इस बार अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, ये कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। क्या हुआ था कल? क्या कल रामपुर बघेलान की कई 8-10 पोलिंगों में बूथ कैप्चर किए हम लोगों ने। कई बार कलेक्टर जो हमारा प्रेक्षक है और आरओ हैं, उनसे कई बार शिकायत किया, एसपी साहब से बोला, टीआई से बोला, तो कोई बड़े मुश्किल से जब हम लोग फ़ोन करते थे तो आधा एक घंटा बाद पहुंचे, 2 मिनट के लिए जाएं, फिर वही वहां बूथ कैप्चर करते थे। लग रहा था कि प्रशासन है ही नहीं, लग रहा था चुनाव नहीं है, कोई खिलौना चल रहा है। पूरा भाजपा के विधायक के इशारे पर लोग अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इन लोगों में कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।